नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। इस समय हमारे साथ देश के प्रसिद्ध अभिनेता रजा मुराद साहब हैं। आपका बहुत भोपाल में स्वागत किया जाए तो बड़ा विचित्र लगता होगा आपको। हाँ, भोपाल में स्वागत थोड़ा अटपटा इसलिए लगता है कि मुझे लोगों का भोपाल में स्वागत करना चाहिए। मैं यहाँ का मेहमान नहीं हूँ, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं यहाँ का मेज़बान हूँ, तो मैं यहाँ मेज़बान ही रहना चाहूँगा, मेहमान नहीं। अच्छा, तमाम सारे लोग, हम जैसे लोग जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से आपको देखा और आपको देख देख के अच्छा बनने की प्रेरणा मिली कि बुरे लोग अगर स्क्रीन पे देखते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इनसे लड़ना चाहिए, जूझना चाहिए। और आपकी खूबी यह है कि जब आप किरदार में उतरते हैं तो उसको सच कर देते हैं। साहब देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैं ज़िंदगी में जो भी काम करता हूँ उसमें मैं अपना 100% देता हूँ। ये मेरी रोज़ी रोटी है, इसकी कमाई से मेरी फैमिली पलती है, और जो भी मुझे पैसा मिलता है मुझे उसका रिटर्न देना है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि साहब हमने इसको पैसा दिया और वो पैसा हमारा ज़ाय हुआ। तो पूरी मेहनत करके जो भी उस पैसे का रिटर्न है मैं देने की कोशिश करता हूँ। और उसके अलावा एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि जो भी किरदार मुझे मिले मैं उसमें रम जाऊँ, मैं उसमें समा जाऊँ और देखने वालों को ऐसा लगे कि वाकई ये एक्टर रजा मुराद नहीं है बल्कि ये वो किरदार है जो वो निभा रहा है। तो अपनी तरफ से मैं पूरी मेहनत करूँ। नहीं, ये इच्छा थी कि इसी तरह के किरदार करेंगे, अब तो आप ख्यातिनाम चरित्र अभिनेता बनते जा रहे हैं। मैं पहले चरित्र अभिनेता था, राज कपूर ने मुझे चरित्रहीन अभिनेता बना दिया प्रेम रोग से। तो पहली बार मैंने प्रेम रोग में एक विलन का रोल किया, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे राम तेरी गंगा मैली में लिया। प्रेम रोग 1982 में रिलीज हुई थी, राम तेरी गंगा मैली 1985 में रिलीज हुई, और उसके बाद जो बुराई की दुकान चली है तो आज तक चल रही है। लेकिन अब तो बीच बीच में कई अच्छे किरदार भी आते हैं। हाँ, कभी मुंह का मजा बदलने के लिए एक अच्छा रोल भी कर लेते हैं। अब जिस तरह की वेब सीरीज आ रही हैं इनको लेके क्या सोचते हैं? मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार आप पे सेंसरशिप लागू नहीं कर रही है तो आपको खुद अपने काम में सेंसरशिप लगानी है। आपको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी है कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। मतलब हर चीज़ सरकार सिखाए ये भी ठीक नहीं है? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार सिखाए, कुछ इस मुल्क के नागरिक होने की खातिर आपका भी कुछ फ़र्ज़ होता है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि लोगों का मॉरल ख़राब ना हो, लोगों का मॉरल डाउन ना हो। और ये जो कच्ची उम्र के बच्चे हैं इनके दिमाग पे जो भी आप दिखा रहे हैं उसका कोई गलत असर ना हो कच्चे जहनों पर, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा गुजर जाना जो है वो सही नहीं होता है। तो जो कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बड़ी गालम गलोच दिखाई जाती है, अश्लीलता दिखाई जाती है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी जो है अब थोड़ा कस रही है इन लोगों को, और वो कसना ज़रूरी है कि अगर आपको एक आज़ादी मिली है आप आज़ादी का फल चखिए, लेकिन उस आज़ादी के फल का आप गलत फ़ायदा मत उठाइए, उस आज़ादी के फल को आप परोसिए मत गलत तरीके से, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, कभी आपसे तमाम सारे लोग आपकी आवाज़ को लेकर चर्चा करते हैं, हमेशा ही बात होती है, इसके लिए कुछ खास अभ्यास किया था ऐसे शुरू हुआ? नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझे एक किस्सा सुनाया था। मुझसे पहले 3 बहनें पैदा हुई थी, 3 बहनों के बाद मैं इस दुनिया में आया, तो नर्स ने कहा मेरी वालिदा से कि बेटा पैदा हुआ है, तो उन्हें यकीन नहीं आया। तब तक दूसरी नर्स मुझे कहीं नहला रही होगी, तो लपेट कर लेकर आई मेरी वालिदा के पास। तो जब मैं रोया अपनी भारी आवाज़ में तो माँ को देखकर नहीं बल्कि आवाज़ सुनकर पता चला कि वाकई ये लड़का है। तो इब्तिदा जो है वो पहले दिन शुरू से कई कई लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है कि जो आवाज़ है वो रजा मुराद साहब ने उसको तैयार किया है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि हर वक्त तो आप बनावटी आवाज़ में नहीं बोल सकते। दुनिया का आज तक कोई ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ जो 2400 घंटे पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सके, कोई इतना बड़ा एक्टर पैदा नहीं हुआ। तो असलियत जो है वो तो सामने आती है, अगर आप बालों को काला करते हैं तो कुछ दिनों के बाद सफ़ेदी जो है आपके बालों से फूट फूट के
निकलती है। तो जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। उम्र, मौसम, जज्बात जो है उसे कभी आप छुपा नहीं सकते। सुबह सुबह होती है, दोपहर दोपहर होती है, शाम शाम होती है। तो आप सुबह को दोपहर में नहीं तब्दील कर सकते, आप दोपहर को रात में तब्दील नहीं कर सकते। ये जो एक कुदरत की साइकिल है चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। नए प्रोजेक्ट क्या है आपके? अब देखिए, अभी तो मैं संजय लीला बंसाली की शूटिंग करके आ रहा हूँ, जो उनकी नई फिल्म है। पिछली तीन फिल्मों में था मैं उनके, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत। तो ये गंगूबाई काठियावाड़ी वो एक फिल्म बना रहे हैं। तो उनका मैसेज आया कि इसमें हालांकि आपके लिए कोई रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए बहुत लकी हैं, आप मेरे लकी मैस्कट हैं, तो मैं चाहता हूं आप कम से कम इस फिल्म में एक शॉट ज़रूर दें। मैंने कहा बिल्कुल देंगे, और हम गए, अजय देवगन के साथ हमने एक सीन किया। तो ये मेरी उनकी चौथी फिल्म हो गई है, और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि राज कपूर साहब के साथ मैंने तीन फिल्में की जो अपने वक्त के सबसे बड़े मेकर थे, सबसे बड़े मेकर। और आज के संजय लीला भंसाली के साथ मैं चार फिल्में कर चुका हूँ। ये सभी यूनिवर्सिटी अपने आप में बिल्कुल हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और संजय लीला भंसाली जिन्हें मैं आज का राज कपूर कहूँगा, उनके साथ ये मेरी चौथी फिल्म हो गई है। तो ये कीर्तिमान जो है ये सिर्फ मुझे को हासिल है कि आर के बैनर में तीन फिल्में मैंने मुतवातिर एज ए मेन विलन किए हैं, और मैं एक अकेला एक्टर हूं जिसने संजय लीला भंसाली के साथ चार फिल्में मुतवातिर की हैं। तो शायद कुछ बात तो होगी मुझ में जो बार बार लिया है। कुछ नहीं, बहुत बात है। और वो गीत अलग है कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, लेकिन आपकी आवाज़ और आपका जो एक्टिंग का तरीका है इस वो पे एक शायर हैं अबरार काशिफ साहब, उन्होंने एक शेर लिखा है मुझ पर मेरी नज़र किया है कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज़ के आगे भी सुना जाए। क्या बात है, बहुत बहुत शानदार। और आज आप तो बहुत आज के हमेशा ही रूहानी मूड में रहते हैं। नहीं देखिए, क्या है, खुशी जो है वो किसी मार्केट में नहीं मिलती, किसी केमिस्ट की दुकान पे नहीं मिलती, किसी रिटेल शॉप में नहीं मिलती है। ये आपको तलाश करनी पड़ती है, आपको खुद खुश रहना है। आप ज़िंदगी को कैसे लेते हैं, आप आधे ग्लास को आधा खाली कहेंगे या आप आधा भरा हुआ कहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे जो भी दिया है, बहुत दिया है, मैं उसके योग्य नहीं था जो मुझे मिला है। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तूने मुझे बहुत दिया है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तो मेरे लिए ये बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही मेरा खजाना है। आप रूहानी का जो प्रचार भी करें, आप घर का ही प्रोडक्ट है ये तो, तो जब कमर्शियल काम करते हैं भाई, पूछ लीजिए जितने भी रूहानी के यहाँ पे करता धरता है, एक रुपया भी नहीं लिया है मैंने इसमें काम करने के लिए, एक रुपया भी नहीं लिया है। मैं चाहता हूँ कि ये जो बच्चे हैं कुछ करना चाह रहे हैं, अगर मेरी ज़ात से इन्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ये करें। एक्टर्स लेते हैं करोड़ों रुपया लेते हैं, लाखों रुपया लेते हैं, लेकिन मैं रदा मुराद बाहोश व हवास ये कह रहा हूँ कि इसका प्रमोशन करने के लिए या इसका ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए मैंने एक रुपया भी नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई युवा आगे बढ़ता होगा तो कहीं अपनी जवानी भी याद आती होगी कि बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत तो है, बहुत मुश्किल से खजाना लगता है हाथ। नहीं, ये तो है। देखिए, कला जो है वो एक समंदर है, और समंदर से अगर आपको मोती चाहिए तो आपको डूबना पड़ता है। मोती अपने आप जो है साहिल पर नहीं आता, आपको डूबना पड़ता है, आपको अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद आपको वो सीप मिलता है, उस सीप को आप बाहर लाते हैं और उससे वो मोती निकलता है। तो ज़िंदगी में अगर आपको कुछ करना है तो जिस काम से भी आपका ताल्लुक़ है उसमें आपको पूरे तौर पे रम जाना है, उसमें मिट जाना है।
मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुजार होता है। क्या बात है, आप सुन रहे थे प्रसिद्ध अभिनेता रजा मुराद साहब को। और मुझे दो पंक्तियाँ याद आती हैं कि आदमी जब ठान लेता है मन में तो उंगलियों से छेद कर देता है गगन में। वाह वाह, उसी परंपरा के व्यक्ति हैं रजा मुराद साहब। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।